अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब हम बच्चा पार्टी के साथ जो छोटी ईद से पहले सुन्नत है वो पूरे करेंगे। और ये सेवैया है, ये होममेड सेवैया है। इसका तरीका कहर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ, बाकी मैं किसी वक्त इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको इसका पूरा तरीका दिखाऊंगा कि गांव में ये होममेड सेवैया कैसे बनती हैं। तो सुन्नत को पूरा करने के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जबरदस्त बनी हुई है। अच्छा जी, जैसे कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है, तो अब जो बच्चों के लिए सबसे अहम मामला है वो है ईदी का, और अब हम इनको सबको ईदी देंगे। और हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? वानिया से। वानिया वानिया ईदी लोगी? वानिया की खामोशी का मतलब जी लेंगी। ये लोगी वानिया की ईदी आ गई। वानिया और ईदी लेनी है? ये लो वानिया सबसे खुशी खुशी ईदी ले रही है। और वानिया के बाद फिर सारिम की बारी। सारिम सारिम, ये लो वानी। सारिम के बाद फिर नाइमा खान। ये लो जी नाइमा के बाद बारी है माज की। ये लो माज। माज माज ने ईदी नहीं लेनी। माज ने ईदी नहीं लेनी। अच्छा, इसके बाद जी अब थोड़े से सेकंड कैटेगरी में वासित। हाँ जी, इसके बाद अब सदेश की बारी है। सदेश कितनी ईदी लोगे आप? 500 रुपए में तो कहते काफी है। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा दो, ज्यादा ज्यादा काफी है। साइस बदमाश। हाँ जी, कितनी ईदी लोगे? 1000 बस। नहीं 2000। अच्छा, ये वापस नहीं लेनी, ये जो तुम लोगों को दे रहा हूँ वही है। अच्छा जी, अहमद खान कितनी ईदी लोगी? ओह, अहमद तो बहुत एग्रेसिव लग रही है। और ईमान खान? और उसके बाद अजान खान? अच्छा जी, ईदी का मामला हो गया। अब हम देर हो रही है हमें, तो हम जाएंगे मस्जिद और वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, और बाकी आपको दिखाते हैं हम इसके बाद क्या एक्टिविटीज हमारे पास आपके लिए हैं जी। ईद मुबारक। चलिए, हम मस्जिद में दाखिल हो गए हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। शाहिद न्यूज़ चैनल वाली था यार, जियो वाले के एयर आई वाले नोट कर।
वीडियो बनती पी तू ईद पे अगली गल छोड़ सर आनी पूरी मैं तो पूरी जासी चौखान एक मिनट की हो गई है पूरी नहीं अच्छा जी ईद की नमाज हमने अदा कर ली है। अब हम अपने सब दोस्तों के जो के मुस्तकबिल के यूट्यूबर भी हैं टिकटॉकर भी हैं तो इनसे मिलेंगे पीटीआई है मंडी भाव दिन से ईद नबील साहब ये इनको खास तौर टिकटॉक आईडी अपनी बता दे बिल्लू बिल्कुल चैनल का नाम बता दे अपने छोटा खान प्रमोशन के हिसाब से हो रही है ईद मुबारक जफर भाई ईद मुबारक ईद मुबारक आजादी के लिए निकल रहे इस्लामी और सियासी नारे नहीं लगा जमात इस्लाम चलो चलो ठीक है आजादी के लिए निकलना है आजादी के लिए निकलना है आजादी है ना अरुण रन मतलब रन मुरीदों को निकाल रहे आजादी ये बात ना करो सिंह को मशहूर जमाना ये सर हम लाइन का जो काम कर रहा है ईद हमने सबसे मिली है। अब जो हमारे यहाँ ईद का ईद की रूटीन होती है ईद सबसे मिलने के बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे वहाँ जो जो हमारे लोग उनके लिए दुआ करेंगे और एक ना एक दिन हमने भी यहाँ जाना है तो हमारी एक ये रूटीन होनी चाहिए कि जो लोग हमारी इस दुनिया से चलेंगे उनके लिए हम खुसूसी तौर पे दुआ करें। अभी तक इस कब्रिस्तान में मेरे दादा जान हैं जो कि सन 2000 में जिनकी वफ़ात हुई थी। मैं शायद अपने दादा के सबसे क्लोज पोतों में से आता हूँ और बाकी हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा हो सके अपने जो लोग वफात हो गए हैं उनकी कब्रों में जाके उनके लिए दुआएं मगफरत करें और खुशी के मौके पर उनको याद करें। ये मेरे दादा जान की कब्र है। वसालदार अब्दुर्रहीम वल्द मतादीन और तारीख वफात जो है 9th August 2001 है इनकी। ईद की नमाज के लिए सुन्नत यह है कि एक जिस रास्ते से आप जाते हैं तो वापसी भी दूसरा रास्ता अख्तियार करें। तो आते हुए हम बाइक पे आए थे तो हम पैदल रास्ते से जाएंगे और रास्ते में आपके साथ और गपशप भी करेंगे। अच्छा जी आते हुए हम इस सड़क के ज़रिए आए थे ठीक है तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इस पगडंडी के थ्रू जा रहे हैं जो इसका टिपिकल वर्ड है वो पगडंडी है तो उसके थ्रू अब हम वापसी जा रहे हैं और इसमें जो जो सीन्स आते हैं हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। हाँ अच्छा ये आसिफ जहीर साहब हैं मैं और आसिफ जहीर जाने इस रास्ते से बहुत ज़्यादा गए हैं पैदल साइकिल पे बाइक पे दिन को रात को कोई ऐसा मोबाइल भी हमारा हमारे साथ बहुत प्रैंक हुए मोबाइल भी यहाँ पे गुम हुआ है तो आसिफ साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। और ठीक है चले आज हम अपनी वापसी का सफ़र अख्तियार करते हैं। अ
अच्छा जी, इस वक्त बड़ी बेहतरीन मनाजिर हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है अल्लाह पाक की रहमत से, और ये खूबसूरत सरसब्ज लहलहाते दरख्त, साथ इसके जनाब माल्टों के बागात, हर तरफ माशाल्लाह से हरियाली हरियाली। ये गांव के या देहात के माहौल की आप कह सकते हैं ये खूबसूरती है, जहाँ कई डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब तालीम सेहत इस लिहाज से उसके सहूलियात हैं, लेकिन बेसिक सहूलियात हैं जो आप लग्जरीज कह सकते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो बाकी चलें जी, जिंदगी इसी का नाम है, लाइफ इज़ नेम ऑफ कंप्रोमाइजेस। अच्छा, ईद की नमाज़ के बाद अब हम घर वापस आ चुके हैं, और अब नेक्स्ट हमारा जो है वो रेस्ट का प्लान है। इस दौरान अगर कोई गेस्ट आएंगे तो उनको एंटरटेन करेंगे, और फिर शाम को हम 4-5 बजे करीब घर से निकलेंगे, 1.5-2 घंटे दोस्तों से मिलेंगे, तो उस दौरान जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमें अपनी आवाज़ से ज़रूर आगाह कीजिए। अच्छा जी, जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सूरज ग़ुरूब हो चुका है, आज के दिन का अख्ताम हो गया है, और आपने डिफरेंट क्लिप्स में देखा होगा हर जगह आजकल सियासी बहस चल रही है। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि सियासत को बीच में ना ला जाए, सिर्फ जो आप हमारी करंट डेज एक्टिविटीज़ हैं वही कवर हों, लेकिन करंट डेज एक्टिविटीज़ में सियासत आजकल जो है वो सबसे हॉट टॉपिक है। तो ये हमारा आज का ईद का पहला दिन था, तो हम इंशाल्लाह ईद के दूसरे और तीसरे दिन भी यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन, बाय बाय।